खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हैदराबाद। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के करीब 54 साला कलीम नामी शख्स पुलिस के डर से बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल यानी फिफ्थ फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में कलीम की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक कलीम पर दुंडीगल पुलिस स्टेशन में चीटिंग केस दर्ज किया गया था, जिस पर दुंडीगल पुलिस ने आसिफ नगर पुलिस की मदद से कलीम के घर पर कलीम को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। वहीं कलीम ने परेशानी के आलम में कुछ ना समझते हुए पुलिस से बचने के लिए फिफ्थ फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में कलीम की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह में 6 बजे के टाइम पे दुंडीगल पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले एक कलीमुद्दीन बोल के नाम का वेंकटम्मा तोटा में रहने वालों को पकड़ने के लिए आया एक चीटिंग केस में। ये टाइम पे वो उसका घर वाले जो फैमिली मेंबर्स ये दुंडीगल पुलिस स्टेशन का स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्शन करे, फिर वो लोग मदद के लिए आसिनवर पुलिस स्टेशन को आए। वो टाइम पे जो उसका जो अक्यूज्ड पर्सन इम्पोर्टेंट केस में जो है कलीमुद्दीन, वो घर में बात करते हुए खिड़की से झुक के बात करते हुए ठहरे। वो टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया बोल के उसका फैमिली मेम्बर्स बोल रहे, वही वो लोग कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन जा रही है। जो केस में दुंडीगल पुलिस स्टेशन में 816/21 अंडर सेक्शन 420 केस रजिस्टर हुआ उसके ऊपर। आसिफ नगर में कुछ केसेस हैं? नहीं, आसिफ नगर में कुछ भी नहीं। सब दो दिन करें अपने पास कंप्लेंट करें कुछ एक... नहीं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं कंप्लेंट है, लेकिन इसका पुराना केसेस है बोल के लोग बोल रहे हैं। वहाँ पे आजू बाजू वालों भी वेरीफाई करे थे लोग, इससे पहले भी इसके पास लोग ऐसा पैसे लिए बोल के आया बोल के मालूम हुआ। कम से 2-3 साल से रह रहे हैं, मेरा अंदाज से 2-3 साल से तो रह रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं मालूम। रेंट पे है सर? रेंट पे है शायद, फिफ्थ फ्लोर में रह रहे हैं।